बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलो लर्नर्स। हमारा आज का लेक्चर है, जैसे कि आप जानते हैं, कंज्यूमर बैंकिंग के हवाले से लेक्चर नंबर 44। इंशाल्लाह इसके कंटेंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और हमारा जो सफ़र है कंज्यूमर बैंकिंग का जारी है। और इसमें जो इस लेक्चर में और इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ रिटेल पेमेंट्स की बात की थी, और आज भी हमारा जो टॉपिक होगा वो रिटेल बैंकिंग में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हवाले से होगा। पिछले लेक्चर का एक ब्रीफ रिकैप लेते हुए आइए हम ये देखें कि हमने उस लेक्चर में जो बात आपके साथ की थी वो हमने स्टार्ट की थी ट्रस्ट के हवाले से, और ख़ास तौर पे ट्रस्ट का एलिमेंट जो कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है। और जब हम सर्विस प्रोवाइडर्स ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो बैंक्स हैं, जब वो एक तरह से पेमेंट प्रोवाइडर्स का रोल अदा करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट अहम हो जाता है। और हमने आपके साथ ये शेयर किया था एक पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, एक जनरल कॉन्सेप्ट ट्रस्ट के हवाले से जो रिलेशनशिप में होता है, और उसमें हमने स्ट्रक्चरल ट्रस्ट, पर्सनल ट्रस्ट और एक तरह से एक्सपर्टीज ट्रस्ट की बात की थी। यहाँ जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जब बैंकर्स का रोल एक सर्विस प्रोवाइडर्स का, एक तरह से पेमेंट प्रोवाइडर्स का होता है। और उसमें जो ख़ास फोकस है वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट के हवाले से है। ये मटेरियल, ये कंटेंट्स बेस करते हैं एक स्टडी पे जिसमें ये देखा गया, जिसमें ये मालूम करने की कोशिश की गई कि जो रिसर्च का एक तरह जो एक एम था कि जो ट्रस्ट का एलिमेंट है क्रेडिट कार्ड के हवाले से, उसकी क्या अहमियत है और आप इस ट्रस्ट को क्यों बिल्डअप करना चाहते हैं, इसको क्यों फोकस करना चाहते हैं, इसको क्यों अपने एक तरह से उसके अंदर प्लान के अंदर लाना चाहते हैं। जहाँ तक ट्रस्ट का सवाल है, जब हम सर्विस की बातें करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि जो पेमेंट का जो मैकेनिज़्म है जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो बैंकों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बैंकों की सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उसमें पेमेंट्स में जो कॉन्सेप्ट है ख़ास तौर पे क्रेडिट कार्ड के हवाले से वो ये है कि बैंक्स जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी जो एक तरह से डीलिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, और साथ साथ उसमें कस्टमर को किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। उसको ये कंफर्ट होना चाहिए कि वो जो ये पेमेंट के हवाले से बैंक्स की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई किस्म की डाउट नहीं है, कोई किस्म का जो बैंक की एबिलिटी है इन ऑर्डर टू अंडरटेक द ट्रांजैक्शन सिक्योरली, सेफली एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो ये जब एलिमेंट होता है ट्रस्ट का, ये जो परसेप्शन होता है ये अहम हो जाता है। और ये देखा गया है कि अगर ट्रस्ट, ख़ास तौर पे जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं जिसको हम ट्रस्ट डैमेजिंग इवेंट्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड आल्सो मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। इसमें यह होता है कि अगर कोई ट्रस्ट बैंक का, कस्टमर का डैमेज हो गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, खो गया है, अगर एक तरह से वो लॉस हो गया है, चुरा लिया गया है, या खुदा ना खास्ता कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, तो उसमें जो बैंक ने अप्रोच करना है कस्टमर की बिहाफ पे, कस्टमर की कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए, तो ये जो एक फाउंडेशन है ट्रस्ट की, ये अहमियत की हामिल है। और इसमें जाहिर है अगर बैंकर्स की अप्रोच प्रॉपर नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, तो ये ट्रस्ट डैमेज हो जाएगा। और ट्रस्ट के डैमेज होने का नतीजा सिर्फ ये नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर कस्टमर बैंक के साथ अपनी ट्रांजैक्शन को ख़त्म कर देगा या रिलेशनशिप को एक तरह से डिसकंटिन्यू करेगा, बल्कि वो डिससेटिस्फाइड कस्टमर अपने दोस्तों में जाकर, अपने कोवर्कर्स में, अपने एक तरह से रिलेटिव्स में बताएगा इस नेगेटिव एक्सपीरियंस को, तो ये बैंक की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। तो जब हम इसी वाले से ट्रस्ट की बात करते हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि ट्रस्ट के एक तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि बैंक की जो एक तरह से परसेप्शन है कि वो इन केस ऑफ सम अनप्लेजेंट इवेंट, नेगेटिव इवेंट, उसमें ये एबिलिटी है कि वह अपने कस्टमर को प्रॉपरली एंटरटेन कर सके, अटेंड कर सके। इसमें दूसरा कंपोनेंट इस हवाले से था कि अगर कस्टमर को कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है तो बैंक किस हद तक उसको कवरेज देता है। और तीसरा जो इसमें एलिमेंट था वो ये था कि बैंक पोस्ट इवेंट जो एक तरह से मैनेजमेंट है, इम्पैक्ट मैनेजमेंट है, वो किस हद तक है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस अल्टीमेटली होता है, जो अगर अनफॉर्चुनेट, अनप्लेजेंट है, तो बैंक उसको किस तरह अटेंड कर रहा है, बैंक को किस तरह कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को। तो ये तीन कंपोनेंट्स थे। इसके बाद हमने जो एक तरह से देखा, जो एक प्रपोजल सामने आया कि इसको बिल्ड करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको गवर्नेंस मैट्रिक्स बनाने हैं, आपको एक डिजिग्नेटेड सीनियर एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करना है जो कि एक टीम अपनी साथ लेके चले, और इस टीम के मेंबर्स को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ट्रस्ट किस चीज़ से ड्राइव होता है, इसके बैंक पे क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, प्रॉपर लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो आपके अक्रॉस द चैनल्स, अक्रॉस द बिजनेस लाइंस ऑफ बिजनेस, उनके अंदर इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और साथ साथ जब प्रोडक्ट्स डेवलप करें उसकी प्राइसिंग करें। जब हम चैनल्स की बात करते हैं ऑनलाइन के हवाले से, तो उसमें कस्टमर्स को वो टूल प्रोवाइड होने चाहिए, उनके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि ऐसे केस में जहां उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैंक को कितनी जल्दी, रैपिडली, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो कुछ और चीज़ें इस स्टडी में सामने आई वो ये थी कि जो कस्टमर होता है ट्रस्ट के हवाले से, वो ये देखता है कि उसका बैंकर की रेपुटेशन क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो कोई और एट्रीब्यूट्स हैं जो ट्रस्ट को बिल्डअप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक बैंक के स्टाफ का स्किल्स और कॉम्पिटेंसी लेवल है, उनके स्टाफ का ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का लेवल्स है, और उसके साथ साथ बैंक की कैपेसिटी के इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स क्या वो कस्टमर की साइड लेता है या कस्टमर को एक तरह से अबेंडन कर देता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने ट्रस्ट के हवाले से बात की। और इसमें जिस चीज़ की अहमियत है वो ये है कि ट्रस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए intangible thing but it is manageable and it is considered to be a strategic asset. अगर आप इसको effectively manage करेंगे तो it will contribute in the strengthening of the relationship। फिर उसमें जो loyalty का concept आ जाता है, satisfaction का concept आ जाता है, और फिर जो banks के लिए customer जो advocate होने का जो एक तरह से role अदा करते हैं, तो वो सारे factors मद्देनज़र रखते हैं। तो trust को इस हवाले से build करना, इसको एक तरह से स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, और बैंकों के लिए इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट को मद्देनज़र रखना। और जब हम रिटेल पेमेंट में, रिटेल बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो इन चीज़ों को अहमियत देने की ज़रूरत है। इसके बाद हमने जो कुछ टॉपिक मुख्तसरन आपके साथ डिस्कस किए वो एक तरह से सेविंग प्रोडक्ट्स के हवाले से थे। ये वो एरिया है जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम भी ज़्यादा वक्त नहीं दे सके, और ये देखा गया है कि जब हम कंज्यूमर बैंकिंग की, कंज्यूमर फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर एसेट साइड्स के प्रोडक्ट को फोकस किया जाता है, उनके ऊपर तवज्जो दी जाती है। लेकिन जो एक लाइबिलिटी साइड के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ज़ाहिर है डिपॉजिट्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं, करंट अकाउंट्स हैं, जिसमें बैंक को दूसरे एडवांटेज मिलते हैं, बैंक को अपना एडवांटेज एक तरह से डिपॉजिट मिक्स का मिलता है, लेकिन कंज्यूमर्स के हवाले से, हाउस होल्ड के हवाले से इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। हमने जो कुछ आपके साथ इनसाइट्स, कुछ आइडिया शेयर किए। पीटर टिफानो जो एक प्रोफेसर है एक तरह से फाइनेंस का, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स का, उसने एक तरह से प्रपोजल्स दिया कि हाउस होल्ड्स की नॉर्मली सेविंग्स कम होती हैं, लेकिन इन सेविंग को इनकरेज करने के लिए आपको इनोवेशन की ज़रूरत है। आप प्रोसेस को इनोवेट करें, आप प्रोडक्ट को इनोवेट करें, ताकि कस्टमर को इनकरेज करें, उनको इंसेंटिव दें और उनको एक तरह से कोर्स ना करें कि आप अपनी सेलिंग करके अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ये बहुत अहम एरिया है और इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमने आपके साथ कुछ क्रेडिट यूनियन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। क्रेडिट यूनियन इंडस्ट्री ख़ासतौर पे अमेरिका में इसका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और ये लोग जो एक तरह से टारगेट करते हैं वो होते हैं लो टू मॉडरेट इनकम सेगमेंट, LMI जिसको कहते हैं, हाउस होल्ड्स हों, कंज्यूमर्स हों, इंडिविजुअल्स हों। इनकी जो अप्रोच होती है इन ऑर्डर टू इनक्रेज दिस सेगमेंट टू सेव, ये फिर जो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, जो इनका मार्केटिंग का अप्रोच होता है, जिसके बेसिस पे इनकी मार्केटिंग टीम जो है उनके रिसर्च के बेसिस पे वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। इसमें कस्टमर की नीड्स को मद्देनज़र रखा जाता है, उनका जो एक तरह से इमोशनल आस्पेक्ट है उसको देखते हैं, और उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है जो एक्चुअली बाद में डिसीजन मेकिंग में कार फर्मा होता है, ताकि वो इस चीज़ को देखा जा सके कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए या उसको ना लेने के लिए, उसमें सब कॉन्शियस माइंड। और ये देखा गया है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक तरह से नॉन वर्बल कह लें या पिक्टोरियल्स या पिक्चर या इमेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके हवाले से एक टेक्निक इसमें ZMAT के हवाले से हमने आपको बताई, जिसमें इमेजरी का, स्टोरीज़ का और एक तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या चीज़ इमोशनली इस चीज़ पे एक लेके आती हैं कि वो सेविंग करें। फिर हमने इसमें बात की कि जो इस इंडस्ट्री में जो एक रिसर्च हुई थी वो ये था कि सेविंग्स के बैरियर्स क्या हैं। तो ये देखा गया कि सेविंग्स के बैरियर्स में बहुत से लोग जो थे मेजॉरिटी उन्होंने आज तक सेविंग का कॉन्सेप्ट बचपन से बताया ही नहीं गया था। फिर उनकी जो डे टू मंथ बेसिस पे जो स्ट्रगल था वो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे कि वो सेविंग्स कर सकें। और एक और बैरियर सामने आया वो ये था कि उनके नज़दीक एक तरह से ये जो सेविंग करना है सोशल स्टिग्मा है कि अगर वो सेव करेंगे तो आसपास के लोग उनकी कम्युनिटी उनके रिलेटिव्स अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो उनको ये गिल्टी फीलिंग होगी कि हमने सेविंग कर ली लेकिन उनकी मदद नहीं की। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन है कि जी आप सेल्स में जाएँ तो आपको वो मिलेगा, इसने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो सेविंग के प्रोडक्ट्स है उसको काफ़ी इफेक्ट किया है क्योंकि ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टीज़मेंट है इसकी जो प्रमोशन है सेल्स के हवाले से वो ये कहते हैं कि आप सेल्स में जो चीज़ें खरीदेंगे उसमें आपको सेविंग होगी, तो एक तरह से लोगों को इंसेंटिव देते हैं। तो इस सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो एक सेविंग इस सेक्टर में एलएमआई सेक्टर में होनी चाहिए वो नहीं है और उसका नतीजा ये है इस सेक्टर को जो एक वो मिलना चाहिए तवज्जो और टेंशन वो नहीं है। इसके बाद हमने बताया कि हम किस तरह आगे कंज्यूमर बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में रिटेल बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करते हैं जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आइए आज हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने पहले ये देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो डिलीवरी चैनल्स हैं ब्रांच के अलावा हम तो ज़्यादातर पाकिस्तान में ब्रांच के चैनल से वाकिफ़ हैं, हम इससे फेमिलियर हैं और बाहर भी इसकी फेमिलिटी ऐसी तरह है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ अल्टरनेट चैनल्स भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें ATM है, कॉल सेंटर है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, तो ये सारे वो डिफरेंट चैनल्स हैं जो ब्रांच के अलावा अब सामने आ रहे हैं। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब हम रिटेल बैंकिंग में डिस्ट्रीब्यूशन की और डिलीवरी की बात करते हैं तो ये जो एक सारा जो सेटअप है जो फ्रेमवर्क है ये अहमियत अख्तियार कर जाता है। और हम सब जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग में डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी चैनल की क्या अहमियत है, ये कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसके जो डायनामिक्स हैं तो इस हवाले से जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं जो नए चेंजेस आ रही हैं उस पर एक तरह से नज़र डालें और हम ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कस्टमर की जो चेंजिंग नीड्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो इसमें जो पहला एक तरह से सवाल उठता है कि जो रिटेल बैंकर्स हैं ये लोग रिटेलर्स की तरह क्यों ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि आप जब रिटेलर्स के बिज़नेस मॉडल को देखते हैं इनके केसेस को देखते हैं तो वहाँ ये नज़र आता है कि रिटेलर्स जो हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल इन क्रॉस सेलिंग एंड रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। और उसके साथ साथ जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट है उसके मुकाबले में बैंकों में वो चीज़ नहीं है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो रिटेलर माइंडसेट अगर आप रिटेल बैंकिंग में और जाहिर है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉरपोरेट बैंकिंग अगर आप रिटेल बैंकिंग साइड पे कंज्यूमर बैंकिंग साइड पे हैं तो आपको जो रिटेल के जो पैरामीटर्स हैं रिटेल्स के जो एक तरह से डायनामिक्स हैं उसको आपको मद्देनज़र रखना होगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें या कोई ये कहे कि रिटेल बिजनेस जो है प्रोडक्ट की सेलिंग है वो तो एक तरह से दुकानदारी का कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से स्टोर का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ फाइन। लेकिन जब हम बैंक में फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं प्रोडक्ट्स की बात करते हैं रिटेल के हवाले से तो जाहिर है ये चीज़ उसी उसके अंदर आती है कि आपने कम से कम अगर आपने उनको कॉपी नहीं करना तो आपने वो अफेक्टिव मेजर्स लेने हैं जो आपके कस्टमर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें, आप उनको सेटिस्फाई कर सकें और उनका जो रिक्वायरमेंट है उनकी नीड्स को मीट कर सकें। और इसमें यह देखा गया है कि बैंक्स जो हैं वो जब रिटेलर की बात करते हैं रिटेल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उनका एक तरह से मेंटल मॉडल है मेंटल ब्लॉकेड है तो ये कहते हैं कि वी आर नॉट सपोज, वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में ले आते हैं कि उनकी पोजीशन रिटेलर से बेहतर है या डिफरेंट है। ये एक मिस कॉन्सेप्ट है और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब हम इस तरफ आते हैं कि हमने रिटेल के कॉन्सेप्ट को रिटेल के स्पिरिट को यहाँ पर एक तरह से प्रमोट करना है वो देखना है तो उसमें फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स हैं ये अहमियत अख्तियार कर जाते हैं। तो उसके ये देखना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इस वक्त जो डोमिनेंट चैनल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम सब जानते हैं और बाहर भी वो है ब्रांच बैंकिंग। लेकिन अब वक्त के साथ ये देखा जा रहा है जो रीसेंट स्टडीज़ ने रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ब्रांच बैंकिंग की अहमियत आने वाले वक्तों में कम तो नहीं होगी, लेकिन साथ साथ इसकी जो अप्रोच होगी, इसका एक तरह से जो शक्ल सूरत होगी, जो इसका एक तरह से फॉर्मेट होगा, वो चेंज हो जाएंगे, इसकी जो फंक्शन या चेंज हो जाएंगे। तो इस हवाले से अब बैंकों के लिए ज़रूरत है कि जो आने वाला वक्त है, जो ब्रांच की एक जो चेंजिंग सिनारियो है, उसको आप मद्देनज़र रखें और उसी हिसाब से अपनी आप जो पॉलिसीज़ बनाएं और ब्रांच को नई, अगर ब्रांच खोलनी है आपने, या उसके साथ साथ आपने एग्जिस्टिंग ब्रांचेस को एक तरह से रिवर्टलाइज करना है, तो उसमें आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब हम अल्टरनेट चैनल्स की बात करते हैं, तो क्या आपने ऑल टुगेदर इन चैनल्स के अंदर शिफ्ट कर जाना है। लेकिन जब ये कहा गया कि ब्रांच की बैंकिंग, ब्रांच का चैनल इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आपने फिर एक तरह से बैलेंस ड्राइव करना है। आपने ये देखना है कि ब्रांच के साथ साथ जो दूसरे चैनल्स हैं, आप उसको किस तरह साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर की कन्वीनियंस के लिए, कस्टमर को मज़ीद एक तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें जो एक और चीज़ अहमियत की हामिल है कि अल्टीमेटली इन सारे चैनल्स को आपने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो तकाजा है वो इस वजह से है कि जो इस वक्त का कस्टमर और आने वाले वक्त का कस्टमर, अब उसकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, वो इस हद तक महदूद नहीं है कि वो एक चैनल के साथ, आपके साथ इंटरेक्ट करे, जिसको हम टच पॉइंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि उस इस ब्रांच में आके डील करे या किसी दूसरे अल्टरनेट चैनल में डील करे। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन सारे चैनल्स को आप इस तरह इंटीग्रेट करें जिसको हम कहते हैं सीमलेस इंटीग्रेशन, कि कस्टमर को ये हो कि वो किसी भी चैनल के साथ डील करे तो उसको वही लेवल ऑफ सर्विस, वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और वही लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस मिले जो कि वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल में इस्तेमाल करता है। जब हम सारे इस सिनारियो के मद्देनज़र रखते हैं और जब ये ज़रूरत हमारे सामने आती है कि अब मुख्तलिफ़ चैनल्स को आपने इंटीग्रेट करना है और साथ साथ बैलेंस करना है, तो फिर बैंकों के लिए ये चैलेंज आता है कि क्या हमने इंक्रीमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या जाइंट लीप ऑफ जिसे कह लें एक्शन लेना है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बैंक्स के लिए, बैंक्स की सीनियर मैनेजमेंट के लिए, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जो चैनल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, इसको देखें कि इसकी इफेक्टिवनेस किस तरह बढ़ा सकते हैं। और जब ये हम सिनारियों में बात करते हैं, तो फिर आइए हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो एक तरह से लैंडस्केप है, उसके अंदर जो इमर्जिंग जो एक तरह से कुछ डायनेमिक्स हैं जो आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, और लोगों का ख्याल है, एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये जो डायनेमिक्स हैं, 6 डायनेमिक्स जिसको हम कहते हैं, 6 डायनेमिक्स हैं, जब ये कन्वर्ज करेंगे और जिस तरह कन्वर्ज कर रहे हैं, तो उसमें जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी चीज़ जो मौजूदा है वो एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़रों से ओझल हो रही है, एक तरह से उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रही है और कोई नई चीज़ एमर्ज हो रही है, एक नया फिनोमेना सामने आ रहा है। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, इस सारे डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसलिए कि जब कल को हम चैनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, चैनल को बैलेंस करने की बात करेंगे, तो इन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किए बगैर हम चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। आइए हम देखते हैं ब्रीफली ये 6 चैनल क्या हैं। अगर आपको याद हो, हमने पिछले एक लेक्चर में इन 6 चैनल्स, एक तरह से 6 आस्पेक्ट्स का, 6 ड्राइवर्स का जिक्र किया था। आइए आज हम थोड़ा तफसील के साथ आपके साथ ये डिस्कस करते हैं। पहला आस्पेक्ट जो है, जो पहला एक तरह से ड्राइवर है, वो ये है कि अब ब्रांच में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पहले की तरह नहीं हो रही है। पहले ब्रांच के अंदर मेजॉरिटी केसेस में रेवेन्यू ग्रोथ ब्रांच के थ्रू होती थी और बैंक्स उसमें कंफर्टेबल फील करते थे। ब्रांच एक ऐसा चैनल था, ब्रांच एक ऐसा आउटलेट था जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज बैंक्स को मिलते थे। लेकिन अब वक्त के साथ देखा गया है कि इस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए वो लेवल नहीं रहा, बल्कि चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। और ये भी देखा गया है, इसकी मिसाल एक स्टडी में सामने आई कि अमेरिका में जो नई ब्रांचेस 2001 में आई थी, खुली थी, और 2006 तक, उसमें से 60% ब्रांचेस ब्रेक इवन नहीं कर सकी थी। इससे आप इस स्टैट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बात सिर्फ अमेरिका की नहीं हो रही, बल्कि हम उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि जो नई ब्रांचेज आती हैं, हमारे बैंकों को ये देखने की ज़रूरत है कि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल है, उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, अल्टीमेटली वो किस तरह उसको अचीव करेंगे। और यहाँ जो एक और चीज़ सामने आती है कि अब जो ब्रांचेज, तो जिसको हम ब्रिक्स एंड मोटर्स का कॉन्सेप्ट देते हैं कि ब्रिक्स एंड मोटर्स की जो आप प्रॉपर्टी लेते हैं, ब्रांचेस ज़ाहिर है आप सेलेक्ट करते हैं जगह, आप चाहे वो परचेज़ करें या रेंट पे लें, ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन गया है। बैंकों के लिए कॉस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और जब इस कॉस्ट को और उसके साथ दूसरी एलाइड कॉस्ट को जब आप मद्देनजर रखते हैं तो फिर आपका जो टारगेट है उस आउटलेट को प्रॉफिटेबल बनाना, ब्रेक इवन पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा आम मुशाहदा है कि हम देखते हैं कि एक जगह किसी एक बैंक की ब्रांच खुली तो वहाँ पर कुछ अरसे बाद दूसरे बैंकों की ब्रांचेस खुलना शुरू हो जाती हैं। अब यह ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने देखा देखी ये ब्रांचेस खोली हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है और ये सवाल उठता है क्या उन्होंने उस पर्टिकुलर मार्केट की एनालिसिस की है, क्या उन्होंने उसकी वायबिलिटी देखी है ब्रांच खोलने से पहले। और इस तरह बाज़ दफ़ा ये एक माइंडसेट भी सामने आता है कि बैंक सोचते हैं कि फ़लाँ बैंक वहाँ हैं, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो इस किस्म के एक तरह से मफरूज़े के ऊपर ब्रांच खोल देना मुनासिब नहीं होता। इसके साथ साथ जब हम ब्रांच को एक तरह से रिवर्टलाइज करने की बात करते हैं, रिफर्बिश करने की बात करते हैं, तो उसमें भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि क्या हम आने वाले वक्तों के लिए इस ब्रांच को तैयार कर रहे हैं। दूसरा जो डायनामिक्स है वो इस हवाले से है कि जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है और कस्टमर सर्विस है वो अब इंडिपेंडेंट होती जा रही है ऑफ द एनी चैनल। अब वो ज़रूरी नहीं है कि ब्रांच के अंदर हो, वो किसी जगह से भी हो सकती है। इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि अब अमेरिका में ये सिस्टम अब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि टेक्नोलॉजी आगे आ रही है तो कोई वो वक्त दूर नहीं कि ये पाकिस्तान में भी हो जाए कि प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इज़ नाउ बीइंग कंडक्टेड एट ए सेंट्रल प्लेस, जिसको वो कहते हैं कि ब्रांचेस क्योंकि महंगे जगहें हैं, उनका वहाँ रेंट है और उसकी दूसरी चीज़ें हैं, तो उस कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए वो प्रोसेस जो आप किसी चीपर जगह पर जाकर कर सकते हैं तो ब्रांच को बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट अमेरिका में जो आया है जिसकी वजह से ब्रांच में प्रोसेसिंग की ज़रूरत कम से कम होती जा रही है कि वो जो चेक्स के स्कैन करके इमेजेस वो एक तरह से बैंक्स को भेज देते हैं, उनको फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये सवाल उठने लगा है कि वाई टू विजिट द बैंक ब्रांच। बहुत सारे अगर कस्टमर के काम बैंक की ब्रांच को जाए बगैर हो जाते हैं तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि ब्रांचेस को इस तरह एक तरह से मैनेज किया जाए, एक तरह से इस तरह ऑपरेट किया जाए कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की वजह से ज़ाहिर है अब वहाँ कस्टमर की ट्रैफिक कम होना शुरू हो गई है, कस्टमर कम आते हैं, तो उसमें आप किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ अगर खो रहे हैं सेल्स के हवाले से तो आपने उसको किस तरह कंपनसेट करना है। इसके बाद जो तीसरा ड्राइवर है वो डेमोग्राफिक शिफ्ट की हम बात करते हैं। डेमोग्राफिक शिफ्ट की एक लेक्चर में हमने आपको बताया था अमेरिका में आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, जिसको वो जनरेशन वाई का नाम देते हैं, जो कि 1982 और 1995 के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं उनको जनरेशन वाई का एक तरह से नाम दिया जाता है। उनके मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, ये वो जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी है, जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से करीब है। तो उनकी जो एक तरह से प्रेफरेंसेस हैं बैंकिंग के हवाले से, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ज़ाहिर है उसी हिसाब से डिफरेंट है। दे आर वेरी इनफैक्ट चूजी, दे आर वेरी सिलेक्टिव, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वांट टू एनालाइज द थिंग्स। तो उनकी ये जो एक तरह से करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसको जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपको फिर ब्रांच के अंदर और दूसरे चैनल के अंदर इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जैसे हम बात करते हैं कि वो जो कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं जिनके अभी कोई औलाद नहीं हुई है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो एक वो सेगमेंट है जो बहुत प्रोमिनेंट है। They are in a way proved to be very good potential customers for retail banks। तो उनको टारगेट करने के लिए, उनकी नीड को, अगर ये हम कहें कि हम सिर्फ बात अमेरिका की कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन साइकी के हवाले से ये प्रेवलेंस इसकी इंडिया और पाकिस्तान और इस जैसी कंट्रीज़ में भी होती है। तो ये जो जनरेशन वाई या डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है ये एक तरह से चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। इसके अंदर जो चौथा एलिमेंट है वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है अब बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है और इस टेक्नोलॉजी को अगर आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो फिर ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं तो उसके अंदर लॉप साइडेड इफेक्ट आ जाएगा, आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि इस वक्त अगर आप ये देखें कि जिस तरह मोबाइल के साथ कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आ गया है कि आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके किस तरह आप इसको बग़ैर बैंक में जाए हुए एक मखसूस उसके कोड के साथ आप अपनी पेमेंट्स एंड रिसीट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मिसाल से ये चीज़ सामने आती है कि किस तरह जो टेक्नोलॉजी है वो कस्टमर की प्रेफरेंस और नीड्स को, उनकी जो ब्रांच के विजिट्स हैं उनको एक तरह से अफेक्ट कर रही है। उसके साथ साथ अगर हम आप देखें, हम एटीएम मशीन्स की बात करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, तो ये वो टेक्नोलॉजी जो है जो कस्टमर्स को एक तरह से वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। ये देखा गया था कि शुरू में कस्टमर जो रिलक्टेंट थे, उनका ख्याल था कि हम अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो उनको एक तरह से डाउट होता था या उनको एक तरह से शक होता था। तो अब उनका ये शक, उनका ये डाउट जो है किसी हद तक जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, सिक्योरिटी का प्रोसेस है, उसके अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट आई हैं। तो जो कस्टमर रिलेक्टेंट थे, जो इस चीज़ से खौफजदा थे, वो किसी हद तक आप इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो चीज़ सामने आई जो एक तरह से वो यही है कि हमने ये देखना है कि टेक्नोलॉजी को आपने किस तरह कस्टमर की नीड्स के इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्राइवर है वो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के वाले से। हम सब जानते हैं कि इस वक्त और आने वाले वक्त में रेगुलेशन साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, इसके अंदर कमी नहीं आएगी। और इसके अंदर जो रेगुलेशन है वो ख़ास तौर पर वो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी राइट्स की वो लोग बात करते हैं, उनको फैसिलिटेट करने की बात करते हैं। जो रेगुलेटर्स हैं हमारे यहाँ भी और दूसरी कंट्रीज़ में, वो ये कहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंक्स और दूसरे, उनको ये ख्याल रखना है कि कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं उनको अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो रियल टाइम दे रहे हैं और कस्टमर की इंटरेस्ट का ख्याल रख रहे हैं, कस्टमर को एक तरह से मिस गाइड तो नहीं कर रहे। इसके साथ साथ बाज़ल 2 की जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी के हवाले से, वो भी इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले वक्तों में बैंकों के ऊपर इसका प्रेशर होगा कि आप किस तरह इस चीज़ को, रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसके हवाले से कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो एक तरह से फैक्टर है वो भी सामने आएगा। और इसके बाद जो एक और चीज़ है वो ये है कि आप ये देखें कि रेगुलेशन के हवाले से कस्टमर को जब आप ये कहते हैं, जब हम AML की बात करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, हम नो योर कस्टमर की बात करते हैं, तो ये वो एरियाज़ हैं जिसकी वजह से बैंकों में कॉस्ट का जो फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको अगर आप एक तरह से अडॉप्ट नहीं करेंगे तो यू आर इन अ पोजिशन टू हैव अ सॉर्ट ऑफ सैंक्शन फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडीज़। तो रेगुलेशन की वजह से जो प्लेइंग फील्ड है उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं और जो इस प्लेइंग फील्ड के जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि इन रेगुलेशंस को एक तरह से एंटिसिपेट करें, इस फॉलो करने के साथ साथ, ताकि उनको किसी किस्म की सरप्राइजेज ना मिलें और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। आइए इसके बाद हम इसका छठा जो एक तरह से जो फैक्टर है, जो छठा एक तरह से ड्राइवर है, वो देखते हैं वो क्या है। वो ऐसा है कि अब जो कंपटीशन बैंकों के लिए आ रहा है, ख़ास तौर पे रिटेल बैंकों के लिए, वो है नॉन बैंक एंटिटीज़ की तरफ से। हमने एक लेक्चर में इसका भी जिक्र किया था, क्योंकि जो नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं उनके पास एक तरह से नॉन प्रोडक्ट होता है, उनके पास एक प्रॉपर बेस होती है कस्टमर की, तो वो वही प्रोडक्ट्स, वही सर्विस जो एक रिटेल बैंक प्रोवाइड कर रहा है वो अपने कस्टमर्स को या आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो एक कंपटीशन का एक तरह से सिनारियो चेंज हो रहा है कि जो नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं जिनकी एक तरह से फिक्स कॉस्ट भी कम है, जिनकी एक तरह से दूसरे कॉस्ट फैक्टर्स में एडवांटेज हैं, तो वो आपको बेटर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो ये बैंकों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट है। तो बैंकों को इस थ्रेट को भी मद्देनज़र रखना है और जाहिर है इस किस्म की थ्रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं उसको किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जब हम इन सारे 6 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं, इस जब समेट के सामने इसको लाते हैं, तो फिर ये एक सवाल उठता है कि अब बैंकों को क्या करना चाहिए, बैंकों की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ये फैसला करें कि आपने ये, जाहिर है इस जो एक तरह इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये जो ड्राइवर्स हैं ये आपके सामने हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, आप इनसे को अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं कि आप इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये एक रियलिटी है जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के हवाले से अब आपने फैसला करना है कि आपने चैनल्स को इंटीग्रेट करना है, इनको बैलेंस करना है, और ये आपका प्रोसेस जो होगा ये आज से स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप इसमें वेट ना करें। इसलिए वक्त की जो ज़रूरत है, जो कंपटीशन का तकाजा है, अगर आपने इसमें देर की तो आपके जो दूसरे जो एक्टिव आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्रोएक्टिव हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे, दैन यू विल बी इन अ लॉस सिचुएशन। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो फिर हमें ये इस चीज़ का ख्याल होता है कि चैनल्स की इंटीग्रेशन, इसकी बैलेंसिंग इन दी सेंस ऑफ ब्रांच एंड अदर चैनल्स वो कैसे होनी चाहिए। जब हम ये सारी बात करते हैं तो आइए थोड़ी देर के लिए हम इंडिविजुअली इन चैनल्स की तरफ नज़र डालते हैं। ब्रांच की हमने काफ़ी बात की, ब्रांच के मुतालिक हमने आपसे काफ़ी जिक्र किया कि ब्रांच की अहमियत कम नहीं होगी, लेकिन इसमें अप्रोच चेंज हो जाएगी। अब ये जब देखा जाता है एक ब्रांच है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होती है बैंक के लिए, तो इसको किस तरह आप कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, कौन से वो एरियाज़ हैं, कौन सी वो सर्विसेज हैं जो ब्रांच से आप दूर ले जाकर, जिसको हम रिमोट लोकेशन का नाम देते हैं, और लेकिन कस्टमर की सर्विस को अफेक्ट किए बगैर उसको आप कर सकते हैं। तो ब्रांच का ये जो नेटवर्क है, जो ब्रांच का सेटअप है, इसको आपने रीमॉडल करना है। आपने ये देखना है कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सेंटर नहीं होने चाहिए, बल्कि वो सेल्स के हवाले से, सर्विस के हवाले से उनमें इफेक्टिवनेस आनी चाहिए। और आप उसमें ये देखें कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर को ये सहूलत दें कि वो ब्रांच विज़िट कर सकता है, अगर ब्रांच विज़िट ना करे उसके अलावा भी उसका काम हो सकता है। लेकिन ब्रांच की इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाने के लिए, ब्रांच के एक तरह से रोल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इसको रीमॉडल करें। और जो पहले शुरू दिन से कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि ब्रांच वॉज द सोल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, कस्टमर के पास अल्टरनेटिव है। तो ब्रांच के अंदर जो इनबिल्ट इनएफिशिएंसीज हैं आपने उनको एड्रेस करना है। आपने ये देखना है कि बहुत सी चीज़ें, अगर आज आप समझते हैं कि सिर्फ ब्रांच में ही कस्टमर की सर्विस के हवाले से, उनकी नीड फुलफिलमेंट के हवाले से अगर ब्रांच में प्रोवाइड, वाई नॉट ऑन अदर चैनल्स। तो उसमें उस जगह आप वो चीज़ इंट्रोड्यूस करें जिसमें आज हम जब फेस टू फेस की बात करते हैं कि अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल डीलिंग में कस्टमर की साइकी है एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग कि वो फेस टू फेस एक तरह से इंटरेक्शन चाहता है। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहां आप ब्रांच के इस एस्पेक्ट को अगर अल्टरनेट देना चाहते हैं कि कस्टमर को आप एक तरह से प्रोवाइड करें अल्टरनेट फेस टू फेस, लेकिन साथ साथ वो ब्रांच का जो एक तरह से उसको कमी महसूस ना हो, तो उसमें जो फिर एक और चैनल सामने आता है वो ये है जिसको हम अल्टरनेट फेस टू फेस चैनल का नाम देते हैं। अल्टरनेट F2F भी कहा जाता है इसको आम जबान में, जिसको हम जार्गन बैंकिंग की कहते हैं। वो क्या चीज़ है? जब हम F2F चैनल की बात करते हैं, अल्टरनेट F2F चैनल की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। इनफैक्ट ये अल्टरनेट है कि कस्टमर के लिए जो ब्रांच नहीं जा सकता, जो कस्टमर फेस टू फेस एक तरह से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, आप उसको अल्टरनेट फेस टू फेस ऑप्शंस दे रहे हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इस वक्त प्रेवलेंट है अक्सर कंट्रीज़ में, कि आप पहला जो है वो है मोबाइल सेल फोर्स। मोबाइल सेल्स फोर्स में ये होता है कि रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्स की टीमें जो हैं कस्टमर के एक तरह से रेजिडेंस पे जाके, उनके ऑफिस पे जाके, उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस कह लें, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उनको वो फैसिलिटीज़ देते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन और दूसरी टेक्नोलॉजी होती हैं जिसके साथ वो अपने बैंक के साथ राब्ते में होते हैं, और उनको वही सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि इसमें कैश की मूवमेंट नहीं होती, आपने कोई चीज़ कैरी नहीं करनी होती। आपने वो सर्विस जो कस्टमर ब्रांच आके करना चाहता था, आप उसको उसके एक तरह से डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं। तो ज़ाहिर है इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो फेस टू फेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो कस्टमर की जो एक साइकी है, जो इंडिविजुअल की, वो भी एक तरह से सेटिस्फाई हो जाती है। और उसका ये जो अल्टरनेट है कि आप उसको ब्रांच की विजिट से एक तरह से उसको फ़ायदा मिलता है कि उसका वो हैसल नहीं करनी पड़ती। इसके बाद जो दूसरी चीज़ अगेन प्रेवलेंट है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो है नेटवर्क ऑफ एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। ये भी एक अहम चीज़ है। ज़ाहिर है इसमें ज़रूरत इस चीज़ की देखी गई है कि आप जो नेटवर्क डेवलप करते हैं एज ए रिटेल बैंक, अपार्ट फ्रॉम योर ओन ब्रांचेस, योर ओन आउटलेट्स, आप कुछ डीलर्स, ब्रोकर्स को, एजेंट्स को नॉमिनेट करते हैं कि जो वो आपके बिहाफ पे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके उनको ये सर्विसेज, प्रोडक्ट्स देते हैं, सेल्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरी सर्विसेज देते हैं। ज़रूरत यहाँ इस चीज़ की है कि ये दूसरे मुल्कों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉपर कंपनीज़ हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करते हैं। उनकी अपनी एक तरह से स्टैंडिंग है मार्केट के अंदर, और वो ऑन बिहाफ ऑफ ज़ाहिर बैंक इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। और इसमें वही कॉन्सेप्ट अल्टरनेट F2F कहा जाता है कि कस्टमर की डीलिंग बैंक के साथ हो रही होती है लेकिन किसी इनडायरेक्ट वे में किसी इंडिविजुअल्स के साथ हो रही होती है। तो ये एक वो एस्पेक्ट है, जाहिर है, जो इस चीज़ को एक तरह से कवर करता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो इसी ऑल्टरनेट F2F में जो कॉन्सेप्ट है वो रिटेल आउटलेट का है कि बहुत सारी रिटेल आउटलेट जैसे कि अमेरिका में, यूरोप में जो बड़ी बड़ी आपने देखा होगा कि जो चेन्स हैं एक तरह से रिटेल, उसके अंदर बैंकों ने एक तरह से अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उनके साथ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि उस रिटेल आउटलेट में उनके प्रॉपर ट्रेंड लोग मौजूद होते हैं, बैंक का अपना स्टाफ मौजूद होता है जो फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद बैंक्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसका ये फ़ायदा ये होता है कि एक कस्टमर जो रिटेल शॉपिंग के लिए एक रिटेल आउटलेट में गया है उसको एक तरह से वन स्टॉप शॉपिंग का कॉन्सेप्ट जो है कि अंडर वन विंडो, अंडर वन रूफ सारी चीज़ें मिलती हैं और उसको जाहिर है ये नहीं है कि सिर्फ वो रिमोट उसके साथ बात कर रहा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट F2F का, ये अभी हो सकता है पाकिस्तान में इसके हवाले से बहुत सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत से जो एक सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से बैंक्स इस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इस चीज़ को किस तरह अप्लाई करें। इसकी एक बिल्कुल रिसेंट मिसाल ये है कि पाकिस्तान में एक माइक्रो फाइनेंस बैंक ने एक तरह से कोलैबोरेशन की, इसके साथ वो जो प्रोवाइडर्स थे, मोबाइल फ़ोन की कंपनी, उन्होंने मिल के जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जिसको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का, आपके मोबाइल पे SMS के जरिए पेमेंट आप भेज और रिसीव कर सकते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम अगर देखते हैं कि तो इस किस्म की एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आ रही है और किस हद तक बैंक्स जो हैं, जब पाकिस्तान में ये एक एग्जांपल सामने है कि आ सकती है, जाहिर है इन्होंने प्रॉपरली स्टेट बैंक से इस चीज़ की परमिशन ली होगी, इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से भी परमिशन ली होगी, उसके बाद ये शुरू किया होगा, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल शो करती है कि पाकिस्तान में भी इन चीज़ों को लाने का, अप्लाई करने का पोटेंशियल मौजूद है। ज़रूरत इस चीज़ की है हम पहले से अपनी आप को ब्लॉक ना कर लें कि ये पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता। आइए इसके बाद हम डायरेक्ट चैनल की बात करते हैं। जब हम डायरेक्ट चैनल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ऑनलाइन बैंकिंग है। दिस इज़ समथिंग जो डायरेक्टली यू आर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। तो ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं कि कस्टमर को ये सहूलत होती है कि ऑनलाइन बेसिस पे वो अपनी ट्रांजैक्शन कर सकता है, वो अपने एक तरह से और दूसरे जो सर्विसेज की नीड्स हैं वो पूरी कर सकता है। जब हम ऑनलाइन बैंकिंग की डायरेक्ट चैनल की बात करते हैं तो उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि क्या कस्टमर की नीड्स इस डायरेक्ट चैनल से फुलफ़िल हो रही हैं। तो उसमें जाहिर है बैंकों ने अब वो सहूलतें प्रोवाइड की गई हैं कि आप अगर एक सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हैं तो वो किस हद तक आप वो करते हैं कि आप सिर्फ ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, आप कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट करना चाहते हैं, कोई पेमेंट करना चाहते हैं, कोई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ ये ऑनलाइन बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट अब और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है जिसको हम एक तरह से ई बैंकिंग भी कहते हैं, उसके अंदर कस्टमर को वही सब सहूलतें होती हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ के या अपने घर से, अपने PC पे या अपने लैपटॉप से बैंक से रब्ता करके ऑनलाइन होके अपनी बहुत सारी ट्रांजैक्शन सिक्योर वे में कर सकता है। तो एक तरह से डायरेक्ट चैनल का ये भी कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी दुनिया में ख़ासतौर पे अमेरिका और यूरोप में एक और कॉन्सेप्ट है जो फ़िलहाल हमारे यहाँ बहुत नया लगेगा लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। वहाँ जो डायरेक्ट एक तरह से चैनल का कॉन्सेप्ट है वो एग्रीगेटर्स का कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेटर्स अगेन दे आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अब उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, जो उनकी फील्ड होती हैं, वो ये करते हैं कि मुख्तलिफ बैंकों से, वो उनका रोल होता है इंटरमीडियरी का, मुख्तलिफ बैंकों से कोट्स लेके, इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर के पास एक सामने चॉइस आ जाती है उस एग्रीगेटर के हवाले से कि X बैंक, Y बैंक या Z बैंक के क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। तो इस तरह ये वो चीज़ है जो बैंक को एक तरह से जो उनकी मार्केटिंग के हवाले से हेल्प करती है। ये एग्रीगेटर वो काम करते हैं कि दे इनफैक्ट गेट इन टच विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। और उसके बाद ये जो एग्रीगेटर्स होते हैं, जाहिर है इनकी अपनी एक पूरा सिस्टम सेटअप, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये एक्सपर्ट होते हैं, ये मार्केट रिसर्च करते हैं और वो इस हद तक बैंकिंग की मार्केटिंग से बेहतर एक तरह से अप्रोचेस करके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को एक तरह से इन्वाइट करते हैं, इनकरेज करते हैं। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई है और देखी गई है कि बैंकों के लिए ये एक तरह से डबल एज सॉर्ड का एक तरह से है कि जहाँ वो चीपर वे है अपने कस्टमर को कॉन्टैक्ट करने का प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को थ्रू द एग्रीगेटर्स, उसमें चूँकि आपको कोई फिक्स कॉस्ट नहीं अर्न करनी पड़ती, इनकर करनी पड़ती या कोई और ख़र्चा नहीं करना पड़ता, आपको आपका नाम, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुँच जाती हैं, उनके फीचर्स पहुँच जाते हैं। लेकिन इसका जो डबल एज सॉर्ड ये नुकसान है। इसका जो फ़ायदा ये है, नुकसान इसका क्या है? नुकसान इसका ये है कि इसमें जब कस्टमर की वो बैंकिंग की सर्विस को एक तरह से कमोडिटी का दर्जा मिल जाता है, फिर उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, फिर उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती कि आप कस्टमर को ये बता सकें कि हम उस बैंक से किस तरह बेहतर हैं, क्यों बेहतर हैं। तो ये जो इसका एक तरह से नुकसान है कि आपकी बैंकिंग की प्रोडक्ट और सर्विसेज वो एक तरह से कमोडिटाइज हो जाती हैं। ज़ाहिर है जो चीज़ कमोडिटाइज हो जाए फिर उसको सेल करना, इफेक्टिवली उसको मार्केट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद जो एक और डायरेक्ट चैनल में कॉन्सेप्ट है वो है मास कोलैबोरेटर्स का। मास कोलैबोरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि हम देखते हैं आजकल ये एक नेटवर्किंग का जो इंटरनेट के ऊपर कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक तरह से आम हो रहा है, और जिसको हम ब्लॉक का कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसको विकी भी कहा जाता है। तो ये एक जो कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि अब ब्रॉडबैंड जो जिसको बैंडविड्थ का नाम देते हैं वो भी अवेलेबल हो गई है, वेब जिसको 2.0 का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये जो नेटवर्क हैं, ये जो मास कोलैबोरेटर्स हैं, ये इस वजह से उनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है, उनका राब्ता होता है। तो ये जो कम्युनिटी डेवलप होती है मुख्तलिफ हवाले से इनके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ये उनके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो पी टू पी कॉन्सेप्ट है, पर्सन टू पर्सन। ये एक अगर आप जानते हों, और आप जानते होंगे यकीनन कि एक मशहूर ऑनलाइन ऑक्शन की कंपनी है, उसने एक तरह से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि दो लोगों के दरमियान आप डायरेक्ट रब्ता करें और आप उनको बताएं एक सेलर है और एक बायर है, तो आप किस तरह उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये जो मास कोलैबोरेटर्स हैं, इन अ वे आप ये कह सकते हैं ये डायरेक्ट चैनल कस्टमर के लिए थ्रेट है कि कल को ये चीज़ अगर आम हो गई तो ये जो आजकल एक कॉन्सेप्ट है पी टू पी लैंडिंग भी हो रही है कि अगर एक कस्टमर है जो एक बोरो करना चाहता है और एक जो एक लेंडर है पैसा देना चाहता है, तो आपस में आप उनका रब्ता कराएं। तो ये जो एक नेटवर्किंग है, जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, जो विकी के थ्री एक दूसरे के साथ वो कॉन्टैक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो बैंकिंग चैनल्स हैं, जो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे हट के वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से, इस डायरेक्ट चैनल की वजह से भी देखा गया है कि आने वाले वक्तों में बैंक को ये थ्रेट मिलेगी। अब इसका बैंक क्या अल्टरनेट निकालते हैं, बैंक इस थ्रेट को, इस चैलेंज को किस तरह फेस करते हैं, इट डिपेंड्स करता है कि इसका जो मैकेनिज़्म क्या है, इसकी एक स्पिरिट क्या है, किस तरह एक दूसरे से लोग रब्ता करते हैं, किस तरह वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह इसमें जो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बिल्डअप होता है। तो वो चीज़ें सामने रखनी पड़ती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि डायरेक्ट चैनल्स की भी जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह है। जब हमने इनको ब्रांच के हवाले से, हमने एक तरह से ऑल्टरनेट F2F के हवाले से और डायरेक्ट चैनल के हवाले से बात की, तो आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या इनको हम इंटीग्रेट किस तरह कर सकते हैं अगर इस चीज़ की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है अब जब अपने चैनल्स को आप इंटीग्रेट करेंगे, हम बात कर रहे हैं एक रिटेल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिटेल बैंक का जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो उसके मुख्तलिफ एक तरह से जो एक तरह से कॉम्पोनेंट्स हैं वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। इसमें जो देखा गया है 3 या 4 लेवल प्रेवलेंट हैं। पहला आजकल जो देखा गया है, जो चैनल अगर आप अप्रोच करता है कि अपना कस्टमर, उसको आप एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, आप उसको जो उसकी इंक्वायरी है वो इंक्वायरी सेटिस्फाई करते हैं। ये एक तरह से रिएक्टिव कॉन्सेप्ट है कि आप कस्टमर की कॉल का वेट कर रहे हैं, वो जब आपको अप्रोच करता है तो फिर आप उसको अटेंड करते हैं। इसके बाद जो दूसरा लेवल है वो किसी हद तक प्रोएक्टिव लेवल है कि कस्टमर ने अगर आपको कॉल सेंटर के ज़रिए या आपको किसी और अप्रोच किया तो आप उसकी ना सिर्फ इंक्वायरी को अटेंड कर रहे हैं बल्कि आप उनको अल्टरनेट कुछ ऑप्शंस भी दे रहे हैं, कोई आप उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज भी ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर उस कस्टमर की नीड्स, उनकी प्रेफरेंसेस और उनकी बाइंग हैबिट्स का एक तरह से रिकॉर्ड मौजूद है और आप ये उस कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच है, आप उस कस्टमर को ये इंप्रेशन दे रहे हैं और आप उसको एक तरह से कन्वे कर रहे हैं कि आप उसके सिर्फ इंक्वायरीज़ को अटेंड नहीं कर रहे बल्कि उसकी जो एक तरह से हिडन नीड्स हैं या उनकी इम्प्लाइड नीड्स हैं आप उसको भी अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो तीसरा स्टेप वो इससे एक स्टेप और आगे है, जो कि एक अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी है रिटेल आउटलेट है, आप उनके रिटेल आउटलेट पे ऑनलाइन जाके उनको ऑर्डर करें, एक तरह से आप पेमेंट करें और किसी दूसरी जगह जाके वो चीज़ वो प्रोडक्ट रिसीव कर लें। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ बैंकिंग में भी एक तरह से इस वक्त है, बहुत से बैंक इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। तो किस तरह आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने एक तरह से अगर कोई इंक्वायरी की, उसके बाद आपकी कोई नीड सामने आई, आपने उसके हवाले से अपनी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट को देखते हुए आपने वो चीज़ ऑर्डर की और फिर वो उसकी ऑनलाइन डिलीवरी या कोई और जो आस्पेक्ट है उसको ब्रांच जाकर या किसी कॉल सेंटर में आप उसको अपने एक्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तीसरा लेवल है। चौथा लेवल जो और ज़्यादा इससे एडवांस है वो ये होता है कि कस्टमर की आप सेगमेंटेशन करते हैं। आपको ये पता होता है कि जो कस्टमर आपको कॉल कर रहा है उस सेगमेंट के हवाले से उसकी क्या स्पेसिफिक नीड्स हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी के हवाले से आपने उसके प्रोडक्ट्स, आपने उसके सर्विसेज टेलर की गई हैं और आप उनको प्रोएक्टिवली वो ऑफ़र करते हैं और कस्टमर के लिए जिसे कहते हैं ना वन टच के साथ वो एक तरह से अपनी पहले उसके पास ऑप्शंस आते हैं, उसको एक तरह से एनालाइज करता है, वो देखता है, फिर वो चॉइस करता है, फिर प्राइसेस की बात आती है, उसकी वो सिलेक्शन करता है, प्रोडक्ट देखता है और फिर अगर उसने ऑर्डर करना है ऑर्डर कर देता है। इसमें आप उसको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको एक तरह से एनालाइज करके बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस हवाले से किस हद तक बेहतर है। तो ये जब हमने चार लेवल्स की बात की तो ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि आपके सारे चैनल्स जिसमें ब्रांच, कॉल सेंटर्स और डायरेक्ट चैनल्स और अल्टरनेट F2F वो एक तरह से इंटीग्रेट हो जाए। अब बैंकों के लिए चैलेंज ये है कि आपने इंटीग्रेशन पूरी करनी है या इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि आप इसको इंक्रीमेंटली जो करें कि आप इसको बैलेंस करें। जैसे कि शुरू में कहा गया, शुरू में आपको बताया गया कि ब्रांच की इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी ब्रांच की, लेकिन चूँकि ब्रांच में ऑलरेडी बैंकों ने इन्वेस्टमेंट की गई है, जिनका बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क है, वो वैसे भी आप उनको बंद नहीं कर सकते, आपने उनको इफेक्टिव बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ अब ज़रूरत इस चीज़ की है, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें और हम स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट, हम अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट देखें कि जब हम फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को ख़त्म करने की बात करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करने की बात करते हैं, हमारा ये एम या ऑब्जेक्टिव है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुँचें। तो हमारे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि हमें बैंक्स को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ इलाकों में ब्रांचेस खोलनी चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो माइंड सेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि आप फिक्स कॉस्ट इनकर करें, ब्रिक्स एंड मोटर्स ब्रांच जिसके अंदर अपनी कवाते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको बजाय आप यही सर्विसेज जैसे अभी हमने आपको एक मिसाल दी कि मोबाइल के ज़रिए पेमेंट, क्यों ना ये सर्विसेज आप अपने कस्टमर को इस तरह प्रोवाइड करें और इसका आप दायरा कार बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई जियोग्राफिकल एक तरह से कंस्ट्रेंट्स नहीं होगी, आप एक सेंटर में बैठ के कस्टमर्स को मुख्तलिफ इलाके के मुख्तलिफ रीजन्स के लोगों को अटेंड कर सकेंगे। तो ज़रूरत इस चीज़ की है पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की। पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं दे शुड बी प्रोएक्टिव इनफ इन ऑर्डर टू मेक देयर चैनल्स मोर इंटीग्रेटेड, ताकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो अब हम बात कर रहे हैं कि कन्वीनियंस के हवाले से कि उनको किसी चैनल पे भी जाएं, वो एक चैनल से दूसरे या दूसरे से तीसरे पर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, वो वैसे ही फुलफ़िल होनी चाहिए। इसमें ज़ाहिर है हमने आपसे बात की टेक्नोलॉजी की, उसकी इफेक्टिवनेस ज़रूरी है, उसको जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। कस्टमर की डेटाबेस की हमने बात की, उस डेटाबेस के हवाले से जो कस्टमर का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो आपके सामने होनी चाहिए, उनकी प्रेफरेंसेस उसके सामने होनी चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो चैनल इंटीग्रेशन के हवाले से, लेकिन अब डिसीजन बैंकों ने ये लेना है कि आप इसको इंटीग्रेट भी करेंगे और आप इसको किस तरह बैलेंस करेंगे। इसलिए कि अगर आप इसमें ये डिसाइड करने में वेट करते रहे दैन इट विल बी टू लेट फॉर यू टू कम्पीट विद अदर्स, क्योंकि ज़माना एक तरह से आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन का दौर है, इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ सामने आती है कि जब आपने इसको डिसीजन लेना है, ज़ाहिर है इट्स गोइंग टू बी ए इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और हम जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन की बात करते हैं तो इसकी मिसाल हम इस तरह दी जा सकती है कि जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, इट्स ए ह्यूज थिंग, उसने जब अपना डायरेक्शन चेंज करना होता है तो बहुत पहले से वो डिसीजन लेते हैं कि कहाँ जाके उन्होंने डायरेक्शन चेंज करना है। तो आप इस एनालॉजी से, इस एग्जांपल से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो बैंक इस सिचुएशन से दोचार हैं, उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ये डिसीजन लेना है कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ द मुख्तलिफ चैनल्स डिफरेंट चैनल्स, ये भी साथ साथ होना चाहिए। फिर इसको आपने बैलेंस भी करना है। और इसमें हम फिर दोबारा उसकी तरफ आते हैं कि बैंकों को रिटेल बैंकिंग के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है रिटेल का, वो एक तरह से इनग्रेन करना पड़ेगा। इसमें कोई एक तरह से कबाहत नहीं है कि आप ये कहें कि जी हम क्या रिटेलर बन जाएं, हम वो जो रिटेल स्टोर्स का एक तरह से शक्ल सूरत अख्तियार कर लें। बात ये नहीं है, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिटेल कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उनको मद्देनज़र रखेंगे तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको एक तरह से ये मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि आपने जो रिटेल इंडस्ट्री का जो सक्सेस फैक्टर है उसको आपने मद्देनज़र रखना है, जिसमें कस्टमर की रिटेंशन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो सामने आती है, वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। और यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है, जब हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर ट्रस्ट की बात की, कि जब अपने चैनल्स को आप इंटीग्रेट करेंगे, जब आप कस्टमर को सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जब आप उनको ये कॉन्सेप्ट देंगे कि उसकी कन्वीनियंस के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो उसका जो आपके साथ ट्रस्ट का लेवल है, उसके लॉयल्टी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और आपको इसमें जो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, और आप अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। यहाँ ज़ाहिर है जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो ज़ाहिर है आपने ये देखना है कि दूसरे कंपटीटर्स किस स्टेज पे हैं, उनका एक तरह से इंटीग्रेशन का लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए कि इस कंपटीशन को मद्देनज़र रखते हुए इन चैनल्स के इंटीग्रेशन को, और हमने जो 6 फैक्टर्स का जिक्र किया, इन सब चीज़ों को अगर आपने मद्देनज़र रख के अपने चैनल्स को इंटीग्रेट करना है, बैलेंस करना है, तो फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, इसमें ज़ाहिर है आपके प्रोडक्ट्स के फीचर्स, सर्विसेज कितने भी अच्छे क्यों ना हों, इसके अंदर कितने बेनिफिट्स क्यों ना हो, अगर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ना हो सकें, उसकी डिलीवरी ना हो सके, वो कस्टमर तक ना पहुंच सकें, और कस्टमर इस हवाले से जो कन्वीनियंस का एक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी एक तरह से दूसरी नीड्स को फुलफिल वो ना हो, तो प्रोडक्ट्स के फीचर, उनके बेनिफिट्स, सर्विस की इफेक्टिवनेस, वो एक तरह से ज़ाया चली जाती है। तो जब हमने शुरू में आपसे कहा कि रिटेल बैंकिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त प्रेवलेंट ब्रांच बैंकिंग है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ दूसरे चैनल सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके आने की वजह से ये चीज़ कम से कम हम समझ सकते हैं कि वो बैंक जिनके पास रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज के साथ आइडियाज़ हैं, वो क्यों नहीं इन रिसोर्सेज को, इन आइडियाज़ को अप्लाई करके बैंकों की इस एस्पेक्ट को इम्प्रूव करें। और जो एक हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को एक तरह से मिनिमाइज़ करने का, उसका भी जो फैक्टर आप इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जाए और माइंडसेट को चेंज किया जाए, ताकि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान की बैंकिंग जो है वो भी वक्त के साथ आगे बढ़ रही है, वो पीछे नहीं है, और उसका ज़ाहिर है अल्टीमेट बेनिफिट आम पब्लिक को, पॉपुलेशन को होगा। और इसके बाद इंशाल्लाह अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो एक तरह से हम लेक्चर नंबर 45 में समराइज फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे। टिल सच टाइम